नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि लगातार अपर सर्किल लगाता जा रहा था, पर एक स्टेज के बाद वो ऑलमोस्ट आधा गिर चुका है, जिसके कारण जो इन्वेस्टर है वो पैनिक हो चुका है कि ये शेयर आने वाले समय में सारा रिटर्न छीन लेगा। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूँ, इस शेयर को मैंने आपको 2 रुपये में रिकमेंड किया था, 6 रुपये भी किया था और 8 रुपये पर भी किया था। दोस्तों जिसने उस टाइम पर बाय किया होगा उसको इस गिरावट का कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। तो दोस्तों मैं आपको पहले ले चलता हूँ इस शेयर के नाम पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस शेयर का नाम है ऊर्जा ग्लोबल। दोस्तों अगर मैं पिछले 6 मंथ का चार्ट ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी लगातार अपर सर्किल लगाती जा रही थी। 33 रुपीज़ के आसपास इसने अपना हाई बनाया था, उसके बाद लगातार शेयर लोअर सर्किट और अब कंसोलिडेट फेस में हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आपने इस शेयर को इस यहाँ पे बाय किया है तो आप यहाँ पे फंस चुके होंगे, आप यहाँ पे एग्जिट करने के बारे में सोच रहे होंगे या तो आप इसे एवरेज करने के बारे में सोच रहे होंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको कुछ प्लस पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको बताएंगे कि शेयर का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो दोस्तों टाइम को वेस्ट किए बिना सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक न्यूज़ जो कि नितिन गडकरी जी का बयान है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि नितिन गडकरी जी ने क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के में इस्तेमाल होने वाली 81% लिथियम आयरन बैटरी स्वदेशी निर्मित होंगी, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ऊर्जा ग्लोबल के लिए। दोस्तों आपको पता है कि ये कंपनी ईवी में काम करती है, सोलर पावर में काम करती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरीज होती है लिथियम आयरन बैटरीज उसमें भी ये कंपनी काम करती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और नितिन गडकरी जी के हर दूसरे दिन लिथियम आयरन बैटरी पे कोई स्टेटमेंट निकल के आ जाती है, और अभी की ये स्टेटमेंट निकल के आई है कि 81% जो निर्माण होगा वो स्वदेशी होगा, जो कि इन ऊर्जा ग्लोबल जैसी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात निकल के सामने आ रही है। उसके बाद मैं दूसरी न्यूज़ पे लेके चलता हूँ आपको, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो बोर्ड मीटिंग हुई थी 16 मार्च को, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डेट भी बताई गई है, उसमें एक बड़ा डिसीजन लिया गया था। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, पूरा टॉपिक नहीं बढ़ाऊँगा, मैं सिर्फ मेन पॉइंट पर बात करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 करोड़ का जो इन्होंने अमाउंट है वो अपनी होली ओन सब्सिडरी, होली ओन सब्सिडरी मतलब जिसमें इसका 100% हक है, और अगर यहाँ पे सब्सिडी लिखा होता तो इसका मतलब कि अभी भी इनके पास 99% हो तो भी उसे सब्सिडी कहा जाता है। लेकिन अगर किसी कंपनी के साथ होली ओन सब्सिडी लिखा हो तो उसका मतलब उसमें 100% हिस्सेदारी ऊर्जा ग्लोबल की या किसी और कंपनी की होगी। तो इसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि 2 करोड़ रुपीज़ इन्होंने अपनी होली ओन सब्सिडी जो कि ऊर्जा बैटरी जो कि लिथियम आयरन बैटरी पर काम करती है उसमें अपनी जो प्रोडक्शन है उन्हें इन्हेंस करने की बात की गई है, जो कि एक और प्लस पॉइंट निकल के आता है इस कंपनी के लिए। दोस्तों अगर किसी से पूछा जाए तो ये हर कोई बोलता है कि ईवी का फ्यूचर है, सोलर पावर का फ्यूचर है, तो दोस्तों ये शेयर पे उसी में काम करता है। और 2 करोड़ का अमाउंट एक छोटा सा अमाउंट नहीं होता, बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है, और ये कंपनी आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको लंबा होल्ड करना चाहिए। मैंने 2 रुपये में इसे शेयर को बाय करके रखा है, 6 रुपये में भी मैंने क्वांटिटी उठाई थी, 8 रुपये में भी क्वांटिटी उठाई थी। 8 रुपये के बाद ये शेयर नीचे गया था लेकिन मैंने इसे एग्जिट नहीं किया था। 8 रुपये के बाद ये शेयर 30 रुपये भी गया लेकिन मैंने इसे तब भी एग्जिट नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने सोचा है ये लॉन्ग टर्म रखना है तो लॉन्ग टर्म ही रखूँगा, आने वाले समय में प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट ही देगा, लेकिन कंडीशन एक है कि आपको इसे लॉन्ग टर्म रखना होगा ताकि आप इससे एक अच्छा खासा रिटर्न ले पाएँ। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली, और ये जो गिरावट थी ये पूरी ऑपरेटर की गेम थी। आपको मैंने रिजल्ट वाले दिन भी बोल दिया था अब ये शेयर नीचे आएगा ही आएगा, मैंने 8 रुपये के बाद इस शेयर में कोई भी क्वांटिटी नहीं उठाई, लेकिन क्योंकि मेरे को पता है कि शेयर ऊपर जाएगा लेकिन इतनी जल्दी से जाएगा ये एक्सपेक्ट मैंने भी नहीं किया था। तो धीरे धीरे अमाउंट उठाऊंगा लेकिन एकदम से अमाउंट नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ये सारी ऑपरेटर गेम थी, मैं आपको वीडियो बना के भी बताया था। और दोस्तों हाल ही की एक न्यूज़ निकल गया थी, मैंने कवर भी किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया माई ईवी पोर्टल, जाने किसे और कैसे होगा फ़ायदा, जिसमें जो कि ऑटो चालक है वो इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। और मैंने आपको एक और बात बोली थी कि दिल्ली में ऊर्जा ग्लोबल के ऑटो रिक्शा बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, आपको उस स्टेट में इनके प्रोडक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन दिल्ली में इनका एक अच्छा खासा बिजनेस है। ये न्यूज़ ऊर्जा ग्लोबल के लिए बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है, जिसमें आपको मैं मेन पढ़ाऊंगा, और अगर आप इसकी न्यूज़ को पूरा देखना चाहते हो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है इस न्यूज़ पे। लेकिन अभी की मैं आपको बता दूँ, इसमें एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें आपको 5% ब्याज की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, और इसमें आपको और भी कई सुविधाएँ देखने को मिल जाएंगी, जो कि सीधा सीधा ऑटो ड्राइवर ऑटो चालक के लिए ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। अगर दिल्ली में ऐसी स्कीम निकाली जा रही है तो ये कहीं ना कहीं ऊर्जा ग्लोबल जैसे कंपनी के वो बूस्ट देने के लिए ही निकाली जा रही है, क्योंकि दिल्ली में मेजोरिटी ऑफ ऑटो रिक्शा देखा जाए तो ऊर्जा ग्लोबल के ही हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस शेयर को यहाँ पे एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं सीधा आपको मना करूँगा, आपको आपने अगर इसे 32 के आसपास बाय किया है तो इसमें एवरेज करके चल सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न जरूर देगा, लेकिन आपको इसे होल्ड करना पड़ेगा।
अपर सर्किट लोअर सर्किट देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आपने इसे 2 से 3 साल रख लिया आप इससे एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर पाओगे, एक अच्छा खासा रिटर्न ले पाओगे। तो दोस्तों ये थी कुछ 3 न्यूज़ें जो कि मैंने आपको बताया। अगर ऐसी अपडेट आप और लेना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हम टाइम टू टाइम आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। सो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।